हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और फ्रेंड्स लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस मैंने वीडियो डाला था लाइव एक्सप्लेनेशन का और ये भी वीडियो लाइव एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम 30-40 पॉइंट का निकाल सकते हैं इसमें के। और हम आज जो देखेंगे, आज हम प्राइस एक्शन का सबसे पहले देखेंगे चार्ट पैटर्न का। यानी प्राइस एक्शन बोले तो ये वाला है ना, प्राइस एक्शन का डिटेल्स हम देखेंगे। यानी इस चार्ट पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस सप्लाई डिमांड जोन का ऐड करके, उसके बाद सेकंड जो हम ट्रेड है इसमें बताएंगे आपको, उसमें बताएंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पे। ओके, ये सारी चीजें हैं, मैं आपको जब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मार्केट क्या है यहाँ पर, एंड नेक्स्ट प्राइस गो डाउन। अभी वेट करना है जस्ट, क्योंकि ये रहा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल और लेबल अपना कोई नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर सेल करेंगे। ये कैंडल हमारी सेल वाली कैंडल होगी। ओके, अब ये रहा अपना सेल पॉइंट, ये अपना स्टॉप लॉस लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अपना जो टारगेट होगा लगभग 90 पॉइंट का, नो नो 90 पॉइंट नहीं, लगभग 70 पॉइंट का अपना टारगेट है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड आपको हमेशा देखना है। अगर ट्रेड आपका सही है और रिस्क रिवार्ड गलत है, यानी 1:2 का नहीं है, तो उस ट्रेड को स्किप कीजिए फ्रेंड। ठीक है, उस ट्रेड अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका प्रॉफिटेबल रहेंगे, आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या सिचुएशन थी। ये रहा सपोर्ट, सपोर्ट और रजिस्टर, ये स्नार जोन, अगेन स्नार जोन। तो ये है स्टॉप लॉस, थोड़ा और ऊपर जाएगा क्योंकि जोन है, तो जोन से अबव रहना चाहिए 5 से 6 पॉइंट। ये पूरा कंप्लीट लेवल है, प्लस अप ट्रेंड प्लस डाउन ट्रेंड प्लस ये क्या है, एक नेक लाइन एरिया। ठीक, ये क्या है, नेक लाइन एरिया। तो प्राइस क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट किया एक लोअर हाई यहाँ पर, एक लोअर लो यहाँ पर, एक लोअर हाई यहाँ पर, एक लोअर लो सॉरी हायर हाई यहाँ पर। तो इसको क्या किया, इसने ब्रेक किया, अगेन प्राइस क्या कर हो सकती है, बाउंस हो जाती है। बाउंस होने के बाद जोन में जा सकती है ना, जोन से जाने वक्त क्या करेगा, फिर से रिस्पेक्ट कंटिन्यूएशन हो सकता है, या क्या करेगा यहीं से वो प्राइस कंटिन्यूएशन हो सकता है ना। पर बायर तभी इंटर होगा जब उसका जोन होगा वैल्यू का, ना ही ये कोई जोन है और ना ही आपका, ना ही ये कोई जोन है। तो ध्यान देना, अभी ये जोन का क्या सीन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल ओवरऑल समझते हैं थोड़ा। पहले बायर इस लेवल से इंटर हो रहे हैं, ठीक, बायर इस लेवल से इंटर हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एरिया अपना बायर एरिया होगा, ये कोई एरिया नहीं। ये तो क्या है, मोमेंटम हुआ ना, प्राइस को ऊपर जाने का मोमेंटम हुआ, तो बायर एरिया, ये बायर एरिया है, बायर एरिया है। तो ओवरऑल अगर क्या अपना देखें, ये है अपना बायर एरिया। फॉर एग्जाम्पल क्लियर करते हैं अपन, ये है गया पूरा का पूरा, ये रहा एरिया है ना। तो ओवरऑल अपना क्या होगा, ये बायर एरिया हुआ, अगेन ब्रेकआउट हुआ, अगेन ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहीं से रिस्पेक्ट हुआ बायर गोइंग अप ट्रेंड के लिए, ये मूव किया। तो प्राइस जो है इस बायर एरिया को टच नहीं किया, मतलब कि प्राइस जो है बायर ये लेवल है इंटर, यानी लोअर वाला लेवल है, अपर वाला लेवल नहीं, मैं ओवरऑल जोन की बात कर रहा हूँ। पर जब बायर इंटर होगा इस लोअर वाले पोजिशन होगा, तो जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है वो आप देखेंगे इस लोअर पोजिशन से अब अभी लगा है। तो प्राइस क्या करेगी, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर नाटकबाजी होगा बायर का, उसके बाद वो डाउन फॉल डायरेक्टली डाउन है ना। और ये क्या, ये रिवर्सल सेटअप है जो कि प्राइस को हेल्प करेगा गो डाउन को लाने के लिए, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं समझ के आपको बता रहा हूँ, तो ये ऊपर नीचे होगा, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। सारी चीजें आपकी अगर परफेक्ट है तो आपका सेटअप जो है परफेक्ट है। हाँ, ये भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज हमेशा आपका हिट ही होगा, आप परफेक्ट नहीं हो सकते हर चीज में, है ना। तो ये भी ध्यान देना है। ये क्या है अपना, ये है सप्लाई जोन एंड ये रहा सप्लाई जोन, ठीक है। तो प्राइस क्या कर, रिस्पेक्ट करेगी सप्लाई जोन, क्योंकि अगर प्राइस को डाउन आना है तो क्या होना चाहिए, सप्लाई जोन है ना हेल्प करे, क्योंकि प्राइस क्या सप्लाई जोन से क्या होता है, रिवर्सल वहां से क्या होता है कि सेलर का रिवर्स होने का चांस होता है। तो उस हिसाब से मैंने एंट्री एंट्री के लिए मैंने बोला था इस कैंडल पे, यानी हैंगिंग में कैंडल के का ये जो हमारा एंट्री कैंडल है, तो ये रहा सप्लाई जोन, यानी क्या ये सप्लाई जोन। तो प्राइस क्या करेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पर नाटकबाजी होगा, उसके बाद वो प्राइस क्या करेगी, होल्ड डाउन और अपना टारगेट हिट होगा। और लगभग 13:23 हो रहा है,
अपन 13 बज के, सॉरी 1 बज के, तो करंट टाइम इंडिया, इधर भी देख लिया वही 1 बज के 23 में ना। तो दोस्तों ये सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है 10 रुपए का। 10 रुपए बहुत होता है एक दिन का, 5,000 रुपए, 10 रुपए, 10,000 रुपए, 7,000 रुपए एक दिन का बहुत होता है। छोटा प्रॉफिट एवरी डे कीजिए, है ना। अगर महीने में अगर आप 10 ट्रेड भी अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है 1:2 के हिसाब से, 10 से 12 ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाता है और 2-3 लॉस हो जाता है, तो फिर भी आपका अगर सात सब कुछ कट पीट के अगर 7-8 ट्रेड अगर अच्छे से मिल जाते हैं तो काफी गुड अमाउंट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो उस हिसाब से मैं अपना ट्रेड निकालता हूँ। आप अपना, आपका कुछ और स्टाइल होगा, कुछ और लेवल होगा जो आप बड़े लेवल पे खेलते हो, पर अपना ऐसा नहीं है। अपना एवरीडे मतलब जो हिसाब किताब है सर, 10 रुपए, 20 रुपए का, प्रीवियस डे मैंने 15 रुपए साथ निकाला था, 15 से 15 रुपये और 12 रुपये निकाला था, आप यहाँ पर आ देख सकते हैं। तो ये रहा 12 रुपये, और दूसरा जो ट्रेड लिया था यहाँ पर 15 रुपये का, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये देखिए सेलर इंटर हो रहा है ना। अब इस केस में जो यहाँ पर एंट्री ले बाय के लिए, वो मैं समझता हूँ वो स्ट्रक्चर के बारे में अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका लॉस मनी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, हाँ यहाँ पर जो चीज़ें आप इसमें की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। ये सारे का सारा कोर्सेस वगैरह है, ज्वाइन भी करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन जो होता है 1 टाइम 1 पर्सन, यानी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, है ना। सिर्फ 1 टाइम पे एक ही पर्सन को पढ़ाता हूँ मैं, ओके। और 16 तारीख को फिर से ज्वाइनिंग चालू है, वो मैं अपडेट कर दूंगा। और फ्रेंड्स इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं आप, है ना। और सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी बात करते हैं। अभी यहाँ पर चीज़ें क्या क्या चीज़ यूज हो रही हैं। अभी यहाँ पर देखो एक और पैटर्न बन रहा है, ये रहा अपना एंड ये रहा अपना, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब ये पैटर्न क्या करेगा, फर्स्ट ब्रेकआउट पैटर्न, उसके बाद देन गो डाउन प्राइस, है ना। तो ये भी सिनेरियो बहुत से मिलते हैं आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए, करेक्ट है दोस्तों। 7 मिनट हो गया, अभी ये क्या, ये फालतू ब्रेकआउट होगा यानी फर्स्ट ब्रेकआउट, ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ऊपर जाने का चांस है। फर्स्ट ब्रेकआउट यानी गो डाउन, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे कैसे भी मतलब। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन को, अपर वाली को, तो ये क्या देगा, फर्स्ट ब्रेकआउट, क्योंकि सिनेरियो है ही नहीं है कि यहाँ पर आप अप ट्रेंड के लिए प्राइस जा सकती है। हाँ फेल हो सकती है, फेल क्या हो सकता है वो समझ लीजिए, अगर ऊपर जाती है तो फेल क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। और ये फेल होगा, सबसे पहले नेक लाइन ब्रेकआउट फेल होगा, उसके बाद जो आपका फेल होगा सप्लाई जोन फेल होगा, है ना। ये दोनों चीज़ें फेल हो जाएंगी, फिर तो यही चीज़ें फेल होने के चांस है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेलर्स यहाँ से देखेंगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ड्रॉप हुआ और देन यहाँ से भी ड्रॉप हुआ, क्योंकि ये जोन का ब्रेकआउट दिया है स्ट्रॉन्ग सेलर, और देन यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग सेलर फिर से इंटर हुआ जोन से, तो ये लेवल हुआ पावरफुल लेवल सेलर के लिए। तो दुनिया का नाटकबाजी इधर हो रहा है, अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। 8 मिनट हो गया है, तो वीडियो को मैं थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ, और लंबी वीडियो हो जाएगी। 1:27 हो रहा है, तो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ और थोड़ा सा इधर उधर होता है प्राइस, तो मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जस्ट वेट कीजिए, फुल इन्फॉर्मेशन लीजिए, फुल स्ट्रक्चर को समझिए, देन जाके आप ट्राई कीजिए, ओके। तो वेट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये प्राइस ड्रॉप हो गई, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सेलर पावर नहीं है, तो यहीं से डायरेक्टली ड्रॉप हो रही है ना। तो जोन जो होता है वो परफेक्ट आपका होना चाहिए। तो टाइम जो हुआ 29 हुआ, बस 2 मिनट हुआ है, और ये महाराज कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही आएंगे, क्योंकि लेबल तो है नहीं यहाँ पर, ये एक छोटा सा लेबल है रिस्पेक्ट करने के लिए, पर फर्स्ट फर्स्ट टीपी आप रख सकते हैं। हाँ यहाँ पर आप फर्स्ट टीपी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम यहाँ से मोमेंटम, तो ये फर्स्ट टीपी आप इस लेवल पे रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टीपी आप यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया तो ये क्या है बायर लेवल, तो एक फर्स्ट टीपी आप यहाँ पर रखेंगे, सेकंड टीपी अपना यहाँ पर होगा। फर्स्ट टीपी जो होता है अपना लगभग
ये होगा फर्स्ट ईपी, यानी 36 पॉइंट का फर्स्ट ईपी, और हमने जो प्रेडिक्शन किया था कहाँ गया, हमने इस लेवल को ऊपर रखा है, यानी ये जो इंगल्फिंग बना है इसके ऊपर रखा हमने, यानी ये वाला, ये लो हिट हो गया फ्रेंड। ओके, जो भी 80% 70% जो था टारगेट, देखें कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ है, क्यों, क्योंकि सेलर जोन था। ओके, अब देखें ड्रॉप ही ड्रॉप। तो दोस्तों आपको परफेक्टली आपको चीजों को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, और आप प्रिडिक्शन आप करते हैं गुड स्ट्रक्चर के साथ फॉलो करते हैं। ये देखो बायर रिटर्न होगा क्योंकि जोन से ये टक वापस हो रहा है, शायद बायर जोन मिल गया तो ये वापस हो रहा है, क्योंकि ये पूरा देखेंगे ये बाउंस हुआ प्राइस यहाँ से भी, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, अगेन ब्रेकआउट होने के बाद फिर से बाउंस हुआ यहाँ से, तो अगेन शायद बायर यहाँ से फिर से बाउंस हो जाए ऊपर के लिए। ठीक है जी, तो परफेक्टली आपको क्या है स्ट्रक्चर आपको समझना होगा दोस्तों। और मैं आपको सभी सब्सक्राइबर से बोलता हूँ सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं आप, अगर मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर पाए तो सेल्फ लर्निंग फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर को चार्ट पैटर्न साइकोलॉजी का समझने की कोशिश कीजिए, और कंफर्मेशन के लिए कंफर्म। ओके, यहाँ पर मैं जब भी कोई पैटर्न वगैरह भेजता हूँ, चाहे वो फॉरेक्स का हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कल का है, कल मैंने यहाँ पर 8:30 बजे 8:30 बजे एंट्री लिया था, ये 8:30 बजे की एंट्री है, यहाँ पर मार्केट मेरी एंट्री इस लेवल पे, यानी सेकंड वाला ही यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ से प्राइस हिट किया लेवल, अगेन वापस गई, अगेन वापस आई, तो यानी मेरा ये नाइट का था, तो ये सुबह मैंने प्रॉफिट को बुक किया है इस लेवल, यानी प्रॉफिट तो बुक हो गया, सुबह मैंने ये शेयर किया है। तो आप किसी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं, पर बस एक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी भी बताया है सेम वही ए टू एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर है ये। सिंपल इसमें क्या है, इसमें आपको 200 से 100 से ज्यादा है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट लेवल है, तो फॉल्स ये क्या है, एक सिग्नल बिलिंग हो गए, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से ये प्राइस क्या है, अभी भी जोन ये स्ट्रॉन्ग ही था, तो जिसके जिसकी वजह से यहाँ पर एंट्री आपकी होती है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, आपको पूरा प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर फॉलो करेंगे 20 बार अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, 20 बार फेल होते हैं, पर 21वीं बार अगर सक्सेस पा लिया, तो वो आपका राइट वे में जो सक्सेस होगा वो आपको हमेशा वक्त हमेशा काम देगा, जब भी उस पर काम करेंगे, है ना। और रॉन्ग डायरेक्शन में अगर आप हैं, तो अगर उस पर आप एक बार सक्सेस पा रहे हैं, तो 20 बार फ्यूचर में लॉस खा सकते हैं। तो मैं आपको ऑलवेज कहता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड सेल्फ लर्निंग, इन सारे पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करिए सेल्फ लर्निंग से, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डब्ल्यू और एम पैटर्न और डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर, ये पावरफुल सेटअप होते हैं। और आप ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, ये देखिए बायर जोन था जो कि बायर इंटर हुआ है ना, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि ये बायर ही बायर है, तो देन यहाँ से भी बायर इंटर, क्योंकि हिट होने के बाद ही इंटर हुआ बायर जोन। तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।